सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 89वें यानी 89th श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह ध्यान विधि 66वीं है, 66th है। इसमें भगवान भैरव भगवती भैरवी को उपदेश देते हुए बता रहे हैं, वर्णस्य स विसर्गस्य विसर्गांत चित्तिम कुरु निराधारेण चित्तेन स्पृशेद ब्रह्म सनातनम। अर्थात जो सनातन ब्रह्म है, जो शाश्वत ब्रह्म है, उसका स्पर्श यानी उसका बोध आपको कब हो जाएगा? जब आपका चित्त निराधार हो जाएगा। और चित्त निराधार कब हो जाएगा? जब वर्णों के विसर्ग और विसर्ग का भी जब अंत चित्त से हो जाता है। यानी जो विसर्ग है, विसर्ग जो भेद उत्पन्न करता है, दो बिंदु है तो वह भेद उत्पन्न करता है, और बिंदु वहां पर यह बतलाता है कि अब यहां से आकार की शुरुआत होती है और यहां से निराकार की भी शुरुआत होती है। आप किधर से आप देखते हैं इस पर निर्भर करता है। अगर आप आकार की तरफ से देखेंगे तो बिंदु से आकार की शुरुआत होती है, और वहां से आकार के लिए जो है और घटनाएं घटती हैं, बनती चली जाती हैं, कई बिंदु जुटते चले जाते हैं और आकार धारण होता चला जाता है। और अगर आप देखेंगे सूक्ष्म अति सूक्ष्म बिंदु है तो उसके बाद की आगे की स्थिति और क्या है देखेंगे तो फिर वह निराकार की स्थिति है। बिंदु का मतलब हो गया जिसका बहुत से सूक्ष्म आकार, और उस आकार का भी जब आप विभाजन करते चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति आएगी कि आप फर्दर जो है उसका विभाजन नहीं कर सकते, आगे विभाजन संभव नहीं है। तो और वह इतना सूक्ष्म हो गया कि आकार भी आप उसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई कुछ रहे नहीं, इतना सूक्ष्म तत्व तो हो गया। तो वैसी स्थिति में अब उसका आकार है ऐसा नहीं कर सकते, तो वहां से निराकार की शुरुआत हो जाती है, तो विसर्ग का अंत हो जाता है। विसर्ग का अंत है और बिंदु का भी अंत है। और जो अंकार है जहां पर बिंदु है, तो जब उसका आधार हटा जाता है, निराधार का मतलब अ के ऊपर बिंदी होती है और अ के बाद विसर्ग होता है, तो इसमें आधार तो अ है जहां से शुरुआत होती है, तो उस आधार को हटा दिया तो सारा जो आधार है यानी ये जो है आकार का यानी साकार अस्तित्व का आधार ये अ है, और जो है वो कई बिंदुओं से मिलकर के बना हुआ है। अब इसको अगर हटा दिया जाए तो आकार हट जाता है, क्या बच जाता है? बिंदु और विसर्ग। विसर्ग में दो बिंदु हैं और बीच का स्पेस है, खाली स्थान है। तो आपको ध्यान क्या करना है? बस इसी बिंदु का और विसर्ग का ध्यान करना है जो आकार रहित है, यानी जिस जिस जो निराधार हो चुका है, आकार उसका आधार था उसको हटा दिया गया। तो अब आप बिंदु पर ध्यान लगाएंगे कि कैसे बिंदु जो है धीरे 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 छोटे 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 उसको करते चले जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि फिर उसका लोप हो जाएगा। ऐसा कब आएगा?
लोभ कब होगा? जब आपका चित्त भी उतना सूक्ष्म हो जाएगा, चित्त भी बिंदु जैसा ही सूक्ष्म हो जाएगा। चित्त जितना सूक्ष्म होगा, बिंदु भी उतना ही सूक्ष्म होता चला जाएगा। बिंदु की सूक्ष्मता चित्त की सूक्ष्मता पर निर्भर है। और यहां पर बिंदु के सिवाय और आपको कुछ नजर नहीं आना चाहिए। तो और जब बिंदु को जब सूक्ष्म करते चले जाते हैं तो अंत में कुछ भी आधार नहीं है, बिंदु भी गायब हो गया, तो आपका चित्त बिल्कुल कोरा हो जाएगा। और चित्त का कोरा हो जाना, ब्लैंक हो जाना बिल्कुल, और सिवाय और उसको वहां पर कुछ है भी नहीं, और तो वह जो है वो निराधार की बात होती है, वो तो निराकार अस्तित्व की बात होगी, तो वहां सनातनता की बात होती है। क्योंकि जो शाश्वत है, सनातन है, वह वही हो सकता है जिसका आकार नहीं हो, जो आकार से परे हो। आकार क्या होगा कि सदैव अन्य आकारों में बदलता रहेगा। तो जो विसर्ग है, तो वह विसर्ग के दो बिंदु हैं, बीच में जो स्पेस है वो निराकार है, और जब ये दो बिंदु मिल जाएंगे तो आकार का फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए विसर्ग बहुत महत्वपूर्ण है। विसर्ग दोनों को इंडिकेट करता है, दोनों को संकेतक है। एक बिंदु और दूसरे बिंदु के मध्य में जो खाली स्थान है वह निराकारता का द्योतक है, और बिंदु को भी विभाजित करते जाएंगे तो निराकार भी मिलता है, और बिंदु के मध्य जो दूरी है, जो स्पेस है, वहां पर कुछ नहीं है, वो खाली है, तो वह भी निराकारता का द्योतक है। तो ये जो बीच का जो खाली है, वह जो निराकारता का द्योतक है, वह स्पेस का है। वह स्पेस जिसमें कि तत्व तो इतने सूक्ष्म है कि आपको लगेगा कि तत्व तो है ही नहीं, यानी स्पेस जो है वह उसमें वास्तव में ऐसा लगेगा कि तत्व तो नहीं, वो खाली लगेगा। इस स्पेस हम लोग वैसे ही को कह देते हैं जिसमें हम लोग को लगता है कि कोई तत्व तो है नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वास्तव में वो इतना सूक्ष्म होता है कि हम लोग के लिए वह एक स्पेस हो जाता है। तो ये जो दो बिंदु हैं विसर्ग के, उस और आकार तो हट चुका है, तो आकार हट चुका है, तो इन दो बिंदु जो हैं विसर्ग के, उसके बीच में जो निराकार है, यदि हम उस पर फोकस करते हैं तो निराकारता में विलीन हो जाता है हमारा चित्त। और यदि बिंदु पर फोकस करते हैं तो बिंदु को भी विभाजित करते जाएंगे तो वह भी निराकार हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों बिंदुओं को हम जोड़ देते हैं, स्पेस को हम संकुचित कर देते हैं, दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि आकार का निर्माण हो जाएगा और फिर हम साकार जगत में आ जाएंगे। तो यहाँ पर यही है कि चित्त को हमें विसर्ग के मध्य का स्थान, विसर्ग का भी अंत हो जाए वहां पर, जो स्पेस की जगत में करना है, और जो बिंदु का भी अंत हो जाए वहां करना है। तो ऐसा निराधार करने पर हमें सनातन ब्रह्म की, जो शाश्वत ब्रह्म है, उसकी प्राप्ति होती है। तो इसमें इतना ही। हरिओम।